हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आइए देखते हैं हमारी आज की नई रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार रेसिपी पनीर कटलेट। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की प्रोसेस। इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे हाथ से अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज के आलू उबाल के अच्छे से मैश करके ले लिए हैं। इसे हम इसमें डाल देंगे और अब हम बारीक कटी हुई सब्जियाँ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक गाजर लिया है, एक मीडियम साइज़ का ऑनियन और एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम लिया है। सबको अच्छे से बारीक कट कर लिया है। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है और अब हम ये सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। धनिया को मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया है और अच्छे से धो दिया है पानी से। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और 1/2 कप सूजी डाला है मैंने इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच से या तो हम हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम बनाएंगे बैटर मैदा और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके। तो मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें हम पानी डाल के अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे। हम इसका अच्छे से स्मूथ बैटर बनाना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। तैयार है हमारा एकदम स्मूथ बैटर। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी लिया था, इसमें से थोड़ा सा पानी बच गया है, बाकी सारा इसमें यूज़ हो गया है। हमारा बैटर एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए और गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो अब हम बना लेंगे टिक्की। टिक्की बनाने के लिए मैंने हाथों ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसकी मीडियम साइज की टिक्की बना लेंगे इस तरह से। तो तैयार है हमारी टिक्की। इसी तरह से हम बाकी की टिक्की भी बना के रख लेंगे इस तरह से। आप जो भी चाहे शेप दे सकते हैं इसे, ट्रायंगल या हार्ट या कोई भी शेप जो आपको पसंद हो। तो देखिए मैंने इस तरह से और भी टिक्की बना ली है और सारी टिक्की बना के मैंने एक प्लेट में इस तरह से निकाल लिया है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है, 1 कप जितना लिया है। अब हम टिक्की को बैटर में डालेंगे इस तरह से और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक फोक की मदद से ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल देंगे और चारों तरफ से अच्छे से ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे टिक्की को। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे बैटर में और फोक की हेल्प से हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। इसी तरह से मैंने सारी टिक्की को तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल ले लेंगे।
ऑयल गरम हुआ है या नहीं ये देखने के लिए हम इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे। तो देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें टिक्की फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसमें अब टिक्की डालूंगी एक एक करके, हल्के हाथों से डालना है और इसे अच्छे से हमें चलाते जाना है। फ्लेम को मीडियम कम कर देंगे नहीं तो ये जल जाएंगे बाहर से और अंदर से पकेंगे नहीं। इसे हम ऐसे पलटते जाएंगे जैसे पकौड़े फ्राई करते हैं वैसे ही इसे पलटते जाएंगे हम। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हमें फ्राई करना है। तो अब तैयार हो गया है हमारा ये फ्राई होके, अब हम इसे प्लेट पे निकाल देंगे। बहुत सुंदर कलर आया है इसका एकदम गोल्डन। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। मैंने बाकी की टिक्की भी इसमें डाल दी है। टिक्की डालते वक्त आँच को थोड़ा सा फुल रख सकते हैं आप, उसके बाद इसे आँच को कम कर दीजिए और इसे पलटते जाइए और अच्छे से फ्राई कीजिए। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे चम्मच से पलटते जाएंगे हम। तो ये भी तैयार हो गया, हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में और इसे सर्व कर लेंगे चटनी के साथ। तो देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है, बहुत ही डिलीशियस बनी है ये डिश। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, ओवल शेप, ट्रायंगल। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे पुदीना की ग्रीन चटनी के साथ और सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही सुपर टेस्ट आता है इसका। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।